वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपी टीजीटी बीजीटी परीक्षा और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर मिली है। एलटी ग्रेड 2023 ने विज्ञापन को लेकर भी जानकारी मिल चुकी है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो काफ़ी समय के बाद मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ टीजीटी बीजीटी एलटी ग्रेड और नए आयोग को लेकर, चूँकि कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं निकल कर आ रही थी। आज बहुत ही अच्छी खबर आ गई है, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली तैयार हो गई है। तो नियमावली तैयार हो गई है दोस्तों, बहुत ही जल्द अब नए आयोग को लेकर जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसे पूरा किया जाएगा। अभी जो अधिनियम था, जो विधानसभा विधान परिषद और फिर राज्यपाल से मंजूरी मिली थी, उसमें सिर्फ नए आयोग के बारे में ही जानकारी थी, जैसे कि नया आयोग का प्रारूप क्या होगा, अध्यक्ष के बारे में, सदस्यों के बारे में और उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनके बारे में, यही सब थे उस अधिनियम में। लेकिन नियमावली क्या होगी, भर्तियों के लिए योग्यता क्या होगी, किस तरीके से भर्तियों को पूरा किया जाएगा, ये सारी चीज़ें उस अधिनियम में नहीं थी। तो नियमावली अब जाकर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। अब जो नियुक्तियों का समय है वो आ गया है, अब जल्द से जल्द नियुक्ति करके नए आयोग को पूरी तरीके से क्रियाशील करने की जरूरत है। राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का अधिनियम बनने के बाद अब समिति ने नियमावली तैयार कर ली है, इसे न्याय विभाग को भेज दिया गया है। इस आयोग के जल्द अब अस्तित्व में आने की उम्मीद है। नए आयोग का मुख्यालय प्रयागराज बनाया जाएगा, ये भी अब क्लियर हो गया। इसको लेकर भी डाउटफुल था कि लखनऊ में मुख्यालय बने या प्रयागराज में, तो ये भी अब क्लियर हो गया है कि नए आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो प्रयागराज में होगा। भवन और स्थान की उपलब्धता को देखते हुए कार्यालय वर्तमान में क्रियाशील उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के भवन में बनाया जा रहा है। तो मैंने आपको ये बात काफ़ी पहले बताई थी कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, जहाँ से टीजीटी पीजीटी की भर्तियाँ अभी तक हो रही थी, उसी बिल्डिंग में नए आयोग का मुख्यालय होगा। तो ये बात आज क्लियर भी हो गई। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने शासन में अधिकारियों एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मुलाकात की। उनके अनुसार शासन स्तर से जानकारी मिली है कि नया चयन आयोग बहुत ही जल्द क्रियाशील होने जा रहा है। जैसे ही नया आयोग क्रियाशील हो जाएगा, सबसे पहले टीजीटी पीजीटी 2022 और असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की परीक्षा कराई जाएगी। कुछ और भी यहाँ पर अपडेट है, मैं आपको दिखा दूँ तो आप देखेंगे कि जल्द ही नए आयोग के अस्तित्व में आने की उम्मीद है और शासन से जानकारी मिली है कि नया आयोग जल्द अस्तित्व में आ जाएगा। तो जैसे अस्तित्व में आता है उसके बाद फिर टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की परीक्षा होगी, यानी कि अक्टूबर माह ये चल रहा है, अगला महीना नवंबर है, नवंबर तक सब कुछ हो गया तो दिसंबर से जनवरी तक परीक्षा आपकी कराई जा सकती है। ज़्यादा चांसेस अब अगले साल के ही हैं, लेकिन फिलहाल आप दिसंबर जनवरी मानकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। जो लोग भी तैयारी छोड़ दिए थे या पढ़ाई को कम कर दिए थे, अब आपको लग जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा आगे बताया गया है कि जीआईसी प्रवक्ता और जो एलटी ग्रेड का विज्ञापन है, ये नवंबर से दिसंबर तक जारी होने की संभावना है। ठीक है, तो ये भी अच्छी खबर है, नवंबर से दिसंबर तक एलटी ग्रेड का विज्ञापन निकलने वाला है। साथ ही सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड 2018 की अवशेष जो द्वितीय सूची में चलित अभ्यर्थी हैं, उनको भी नियुक्ति पत्र जल्द दिया जाएगा। चयन बोर्ड के भवन में नए आयोग का मुख्यालय बनाया जाएगा। इसका प्रमुख कारण यह है कि चयन बोर्ड का अपना ये भवन है, जबकि जो उच्चतर वाली बिल्डिंग है जहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग वर्तमान में कार्यशील है, वह किराए के भवन पर है। तो इस वजह से चयन बोर्ड वाली बिल्डिंग में ही नए आयोग का मुख्यालय होगा। साथ ही भविष्य में विस्तार देने के लिए भी स्थान उपलब्ध हैं। नए आयोग में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति के साथ शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। तो नए आयोग में जब सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी चेयरमैन की, उसके बाद फिर प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तो ये कुछ अच्छी जानकारी थी, वीडियो में आपने देखा। देखते हैं फाइनली कब तक ये आयोग गठित हो पाता है, कब हो पाती है एक्चुअली में परीक्षा, कब तक नए विज्ञापन देखने को मिलेंगे नए आयोग से, क्योंकि यूपी टेट भी होना है नए आयोग से। हालांकि अब इस साल तो यूपी टेट नहीं होगा, अगले साल ही होगा, लेकिन टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा इस साल के अंत तक नहीं तो अगले साल के शुरुआत में हो सकती है। एलटी ग्रेड को लेकर अपडेट नवंबर से दिसंबर तक की मिल रही है। तो ये रहा आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको इसी प्रकार के सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।